भी सारी 23 साल के पूरे इतिहास से पूर्ण रूप से वाकिफ भी हैं और इनका कार्यकाल एक पदाधिकारी राज्य प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में शुरू हुआ और जो CONR ने जो परिवर्तन हमने लाया था खास कर यहाँ पर उसको लीड किया और उसको लेकर काफ़ी चर्चित भी रहे हैं। उस काम को लेकर काफ़ी उसमें बल देने का प्रयास किया था। तीसरी डिपार्टमेंट में आज आत्मनिर्भर अगर हम लोग हैं जो हमारा रेशियो बढ़ा है खासकर ग्रामीण एरिया में या लोगों को उस अट्रैक्ट करने का कि ये भी आजीविका का आधार हो सकता है, तो उसमें भी इनकी एक लोगों ने नज़दीक से देखा है। DC लतेहार के रूप में काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं, तो एक लोकल होना, झारखंडी होना, दूसरा अपने प्रशासनिक सेवा के माध्यम से लोगों के बीच में अपने काम से लोगों को प्रभावित करना जो इनकी क्षमता है, ये क्षमता आप सार्वजनिक जीवन में एज ए पार्टी के अंदर हमारे साथ मिलकर एक विजनरी के रूप में दल में काम करेंगे और इसका निश्चित रूप से फायदा होगा। इनके कनेक्शन को और इनके जो पकड़ है व्यवस्था में या फिर कोई भी सब्जेक्ट पर उसका लाभ पड़ेगा। ओवरऑल केवल वोट की राजनीति मात्र उद्देश्य नहीं कि वोट के बाद चीज़ों को कैसे बनाया जाए और राज्य के लिए भला क्या हो सकता है, किस रास्ते को चुनना चाहिए, कैसे हम आगे जाएं, क्योंकि अंततः लोग रिजल्ट पूछते हैं, परिणाम चाहते हैं। सरकारें तो बनती है लेकिन सरकार रिजल्ट नहीं दे पाती है, अंततः लोगों को निराशा होती है। हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो लोगों को परिणाम दे और लोगों को निराश ना होना पड़े, इसलिए ये पूरी एक टीम हमारी तैयार हो रही है। अलग अलग क्षेत्र से जो प्रभावी लोग अनुभवी लोगों का जुटान पार्टी के पक्ष में है। मैं राजीव जी को आज अपनी ओर से पार्टी में आने के लिए इनको अपनी ओर से बधाई और इनको भविष्य की शुभकामना देता हूँ। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल JK News Network को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।